हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में स्पाइस रैक बनाने वाली हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी एक वीडियो में बनाया था स्पाइस रैक, लेकिन थर्माकोल से बनाया था, लेकिन हर किसी के पास थर्माकोल अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने कार्डबोर्ड से बनाया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप चाहें तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था स्पाइस रैक थर्माकोल से, तो अगर आप वैसा बनाना चाहें तो उसके लिए आप जैसे इस टाइप का एक बॉक्स ले सकते हैं, और इसकी जैसे हाइट ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा नीचे से कट करके इसके ऊपर इस तरीके का एक और बॉक्स लगा के, ये तो मैंने मतलब टू लेयर्स वाली है, आप थ्री स्टेप्स वाली भी बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में दूसरे टाइप का बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने एक ये कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और ये जो लंबे वाला बॉक्स है, ये इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट कर लेंगे, इस बॉक्स के बराबर का रखेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हटा लेंगे। ये कट कर लिया मैंने। अब इसको मैं इसके बीच में ऐसे डाल के देख लेती हूँ ये फिट आ रहा है कि नहीं। ये ठीक आ रहा है, ये साइज़ इसका सही कटा है, ये इसके अंदर आ जाएगा। और ऊपर के लिए मेरे पास इतना लंबा बॉक्स नहीं था, तो जो छोटे छोटे जो हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन उसके साथ बॉक्स आते हैं, किसी भी सामान का बॉक्स हो, तो ये और एक जो लंबे वाले बॉक्स का टुकड़ा बचा हुआ था वो सारे को मैं एक साथ इसको जोड़ लूँगी। अब ये जैसे बॉक्स है उसको मैं अच्छी तरह से टेप लगा के सील कर रही हूँ ताकि ये और मजबूत हो जाए। और एक तो मैंने बीच से टेप मारा है, अब मैं ये दोनों साइड से इस तरीके से टेप लगा रही हूँ जिससे कि काफ़ी मजबूती आ जाए और एक फर्म सा बॉक्स बन जाए। इसी तरीके से अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है, जो लंबे वाले बॉक्स का मैंने जो काटा था जो बचा हुआ था, वो इसमें मैं जोड़ दूंगी टेप के साथ, मैंने इसे जोड़ लिया है। अब ये थोड़ा सा अनइवन सा है, तो इसलिए इसको इवन करने के लिए कार्डबोर्ड का थोड़ा सा पीस मैंने काट के इसको इस तरीके से किया है जिससे बिल्कुल ये इवन बराबर हो जाए। ये मैंने चिपका लिया, इसको अच्छी तरह से टेप से रैप कर लिया जिससे इसमें मजबूती आ जाए। उसके बाद अब ये जो बॉक्सेस हैं जो मैंने टेप लगाया था, इन सबको मैं एक साथ टेप लगा के वो कर रही हूँ ताकि एक लंबा सा स्लैब टाइप, मतलब ये बॉक्स टाइप का बन जाए जिसके ऊपर हम जैसे स्पाइस वगैरह रखें। और ये काफ़ी मजबूत भी है क्योंकि इसमें मैंने पूरी तरीके से टेप से इसको पूरा कवर किया, और एक बीच में लगा देंगे क्योंकि यहाँ जॉइंट है। आप गोंद से भी चिपका सकते हैं लेकिन टेप से ज़्यादा मजबूती आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फेविकॉल लिया है, और फेविकॉल को अच्छी तरह से मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़े से स्प्रेड किया, किसी भी चीज़ से स्प्रेड कर सकते हैं। उसके बाद इसके कार्डबोर्ड के बैक साइड पे हम इसको लगा देंगे, ये इस तरीके का बन जाएगा। और उसके बाद अंदर जो हमने ये जो कट किया था लंबा वाला बॉक्स, उसमें भी दो तरफ मैंने फेविकॉल लगाया, एक बेस में एक पीछे की तरफ, उसको भी मैं इस तरीके से अंदर सेट कर रही हूँ। ये डाल दिया मैंने अंदर उसको। उसके बाद मैं ऊपर एक और टेप लगा रही हूँ, मैंने फेविकॉल लगाया लेकिन टेप लगाने से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ये टूटने का डर नहीं रहता। और यहाँ भी मैंने टेप लगा दिया, ये पीछे का इस तरीके का ये हो गया। अब उसके बाद मैं ये जो भी हम आप जिस चीज़ से कवर करना चाहें, आप चाहे पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं वाटरप्रूफ शेल्फ लाइनर लगा रही हूँ। और ये शेल्फ लाइनर इस तरीके का है जो इसके अंदर का टेक्सचर है थोड़ा सा ना कपड़े जैसा लगता है, जिसकी वजह से ये बहुत ईजिली चिपक जाता है, और ये अच्छी क्वालिटी का, वैसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले बेस में लगाया, और जो सेम लाइनर है उसको कट नहीं करना, उसको आगे तक आपको लेके आना है, और दोनों साइड थोड़ा थोड़ा हमने एक्स्ट्रा पार्ट रखा है। उसके बाद यहाँ पर भी हम फेविकॉल लगा के इसी तरह फेविकॉल को स्प्रेड करके इसको इस तरीके से हम चिपकाते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है साइड्स में। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम नीचे जो बॉक्स के अंदर का पार्ट है उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने रखा था उसको कटिंग करेंगे, क्योंकि अंदर जाएगा तो ये एक्स्ट्रा पार्ट सही से मुड़ेगा नहीं, इसलिए हम इसको कट कर लेंगे, इसको हम अलग करके निकाल लेंगे, इसको बिल्कुल बॉक्स के बराबर का रखेंगे। अब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी पूरा फेविकॉल लगा के पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं।
सही। उसके बाद अच्छी तरह से हाथ से इसको प्रेस करके वो करना है। तो अभी पूरे पे फेविकॉल लगाऊंगी मैं। फेविकॉल लगा के स्प्रेड कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था साइड का हमने काट लिया, तो ये इजीली मतलब बिल्कुल बराबर है तो इजीली ये चिपक जाएगा। और इसको हाथों से प्रेस करके इस तरीके से आप चिपका लीजिए। और इस चीज़ का ध्यान रखिए क्रीज ना रह जाए, तभी हमने एक्स्ट्रा पार्ट साइड का निकाल दिया ताकि क्रीज ना पड़े। इस तरीके से हो गया। और जो नीचे का है पार्ट उसको हमने ऐसे ही फेविकॉल लगा के इसको भी चिपका लिया, और जो बचा हुआ है उसको हम कटिंग करके हटा लेंगे। और उसके बाद ये चिपका लिया, ये इस तरीके का हो गया। ऊपर वाला जो शेल्फ है उसमें एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको हम साइड साइड से कट कर लेंगे जहाँ तक बॉक्स की लंबाई है। उसके बाद हम उसको साइड में ऐसे चिपका देंगे। ये इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको साइड में इस तरीके से फेविकॉल लगा के आप चिपका लीजिए। और उसके बाद ये हमने चिपका लिया साइड का जो बचा हुआ पार्ट था। फिर उसके बाद जो पार्ट नहीं कवर है उसको हम इस तरह की पट्टियाँ काट के ऐसे चिपका लेंगे जिससे कि वो पार्ट भी कवर हो जाए। ये हो गया। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड का भी कर लिया। अब जो ऊपर का है ये वहाँ पे मैंने टेप लगा दिया था, और अंदर की साइड भी मैंने इसी तरह पट्टियाँ काट के उसे चिपका लिया। और ये इस तरीके की शेल्फ तैयार हो गई। आप इस पे कॉस्मेटिक वगैरह और कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे किचन में, जैसे कि इतनी कम जगह में आपको चार शेल्फ मिल रही है, क्योंकि अगर आप जैसे कि शेल्फ वगैरह पे रखते हैं, किचन स्लैब वगैरह पे रखते हैं, तो इतनी कम जगह में आप चार लेयर्स में अगर डब्बे रखेंगे एक के ऊपर एक स्टैक करने पड़ेंगे, पर अब इतनी कम जगह में आपको अलग अलग शेल्फ मिल रही है। और बहुत ही यूज़फुल है किचन के लिए, बहुत ईजी है बनाना। आपके पास वाटरप्रूफ शेल्फ लाइनर नहीं हो तो आप कागज़ भी चिपका सकते हैं इस पर, जो गिफ्ट पेपर वगैरह आते रह पाते हैं। लेकिन वाटरप्रूफ शेल्फ लाइनर का ये बेनिफिट होता है कि आप इसे इजीली साफ़ कर सकते हैं किसी भी कपड़े में, विनेगर थोड़ा सा लगा के बहुत ईजीली साफ़ हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी इसी टाइप की दूसरी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, प्लीज़ चेक कर लें। थैंक यू, बाय।